और अभी बचा है सुबह का, अभी बचा है सुबह का 5:30 और हम लोग जा रहे हैं मंदिर में आरती करने के लिए। और नहीं सेकेंड प्लैनेट क्या अभी खींचना बात नीचे जा रही खींचना अभी हम लोग जा रहे हैं मेडिटेशन वाले एरिया में। और हम अभी 6:45 बजा हुआ है, 6 बजे यहाँ पे काकर आरती होने वाली है तो हम लोग वही अटेंड करने के लिए आए हुए हैं।
में सेकेंड डे है। और एक अच्छी बात यह है कि हमें पता चला है कि आज हमारे रिजॉर्ट में साई संध्या का आयोजन किया गया है जो कि रात के 9 बजे से स्टार्ट होगी, तो हम सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। आज हमारा शिरडी में लास्ट डे है, कल सुबह लगभग 12 बजे के आसपास हम लोग चेकआउट करेंगे, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम लोग शिरडी मार्केट में होके आते हैं। अगर कुछ पसंद, ऐसा कुछ प्लान नहीं है शॉपिंग करने का, अगर कुछ पसंद आएगा तो वहाँ से हम लोग शॉपिंग करेंगे। तो बस जाने से पहले मैंने सोचा मैं अपनी एक कॉफ़ी पी लेती हूँ। अच्छा, वीकेंड पे शिरडी में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिस दिन हम लोग आए थे आज उसके कंपेरिजन में भीड़ 4 गुना ज़्यादा हो गई है। इसीलिए मार्केट में जब मैं गई तो मैंने ज़्यादा शूटिंग वगैरह नहीं करी है। यहाँ से मैंने कुछ स्टैचूज और आयश के कुछ टॉयज़ वगैरह जो उसे पसंद आ रहे थे वो लिए हैं, और एक दो की रिंग लिया है और प्रसाद लिया है। रात का 9 बज गया है और अभी हम लोग आए हैं डिनर करने के लिए। तो बस आज है नेक्स्ट डे और आज ही हमें पुणे के लिए निकलना है, तो लगभग 12 बजे के आसपास हम लोग चेकआउट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे शिरडी के ब्लॉग पसंद आए होंगे, और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ पुणे से। तब तक के लिए ओम साईं राम।